예쁘지? 장미 20달러. फर्स्ट टूर्नामेंट था मेरा, मैं सोच कर खेलने के लिए मैंने से गेम में थी जब मैंने स्टार्ट कर दी से अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना, इसको ये बहुत पसंद है। जैसे चप्पल ज़्यादा पसंद है इसको, नई नई लाने का शौक़ बहुत है और हर चीज़ का शौक़ है, जैसे गुट्टी पहनने का और ये सारे शौक़ यही करती है। जैसे मेहंदी रचाने का बहुत शौक है, अपनी जी करे जब मेहंदी रचाने लग जाएगी मेरे लगा देगी। क्या बना रहे थे तुम? मैं सूट सिल रही हूँ। किसका सूट? बाबू का। सारे फोटो दिखा दी क्या मेरे मैं कर कर के ज़्यादा स्कूल से तो इंटरेस्ट मेरे को गेम में था। स्कूल तो ऐसे ही, और टेंथ भी पता नहीं कैसे हो गई थी। गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इतना अच्छा नहीं खेलते हो तुम, नहीं जाओगे, लेकिन हर टूर्नामेंट में मतलब एक जबरदस्ती टांग फंसाना। नहीं मैडम, मुझे तो लेके ही चलो, मुझे तो जाना ही है। बहुत ज्यादा हर एक्टिविटी गेम गेम में उसको हर एक्टिविटी में कुछ भी मोल का पता नहीं था क्या होगा हमारे साथ, आज क्या होने वाला है। हमारे यहाँ चौक में जागरण रखा हुआ था, उसका हनुमान जी का जागरण था। रात को 4 बजे उसकी तैयारी होने लग रही थी। हमारे बच्चे भी वहीं थे, मेरे लड़के वहीं थे चौक में। चौक में ये सूट सिलने के लिए गिट्टी लेने गई थी। जैसे ये मुड़ी तो इसके बराबर से दो लड़के निकले और उन्होंने ये सूट फेंक दिया इसके। किसने खींची रही थी तुम्हारी फोटो? भाई ने खींची थी।
क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे लेने कोई प्रूफ मीन्स पहले कैसा था फिर कैसे हुआ क्या था वैसे देखे जाए फोटो का देखकर बहुत ही इम्प्रूवमेंट आ गई सारी बहन भाइया की बड़ी ख्याल रखती है ये भाई के लिए मैं ये चीज लाऊंगी इसका जन्मदिन है तो मैं इसकी शर्ट लाऊंगी इसकी टी शर्ट लाऊंगी इसकी जींस लाऊंगी और तो पैसे इकट्ठे करेगी पापा पहले लेकर और तो कभी किसी मेरे चूड़ी ला दी और किसी का कुछ ला दिया ना है इसको शौक है बड़ी नहीं हमारी शौक रखती वह बिल्कुल कम बोलती है और किसी चीज़ का शौक नहीं उसको बिल्कुल सिंपल और इसकी उसकी चेंजिंग करें तो बहुत अलग है बहुत अलग इतना इसके साथ होगा इतना दर्द था इसकी सर्जरी हुई दो वहाँ डॉक्टरों के साथ बात करना जैसे नर्स आती डॉक्टर आते कौन करता हौसला हमने इसी लड़की का देखा हौसला बहुत रखती हर चीज़ में एक बार तो मैंने 8-8 टैबलेट ले ली थी मैं डॉक्टर से बोला इतनी टैबलेट खा चुकी हूँ पेन की मेरे को फिर भी नहीं आ रहा बोला इतनी खाएगी तो वो असर करना ही ना बंद कर जाएंगी तो बोला ये अध से ज़्यादा हो जाए ना तो मैं इंजेक्शन लिख देता हूँ इंजेक्शन दे देना या वरना नहीं देना वो तो कमजोरी आएगी उससे तो क्या बात सहन हो जाती है इतना बुरा नहीं सहन दो या ना हिस्सा लेकर छोटा देवर तो दे दिया हमने कुछ नहीं कहा ये सिर्फ बेस दे देती हम कुछ नहीं बोले लड़की का सब इतना बुरा करो ना ये सब जामनी के बच्चे में जींद के पास गांव है जाटों के लड़के हैं जिन्होंने डाला है गिरवाया बुआ है कि सलामी लिया है बुआ ने अपने बच्चा तो कहा अब बता पाऊ गई लड़की और नहीं तो उनकी सलाह बिना ये काम नहीं हो सकता बस मैं तो कुछ नहीं बस सर्जरी हो जाए घर में रहना कुछ नहीं होना मेरे को सब पता है और तो दिल को दिलासा देने वाली बात होती है अभी कोई भी बोल दे ठीक हो जाएगी जॉब लग जाएगी वो है कुछ नहीं मेरे को तो लगता नहीं मेरे को तो बाहर जाते वक्त भी इतना बस मम्मी पापा दुखी ना हो बस इसीलिए कर लिया कुछ नहीं मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इतनी देर सुबह से आज बैठी मैं बैठ जाऊँ बस ऐसे ही पागा पढ़े भी और खेले भी अपने पैरों पर खड़े जाए
माँ बाप ने तो यही है, अगर भाई पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं, माँ बाप तो यही करता भाई, बेटी तो दूसरे घर की होती है भाई, हम भी अपनी ने चिपक पी गई है मैंने इनको निकाले का। फिर अब हाँ मेरे पास एक काम है, आप इस वाले पे ये फोटोग्राफर का काम करके ना इनकी शॉप पे, हाँ मेरे को काम, मेरे को ना एक बड़ी सी फोटो बना के देना ठीक है, कितने रुपये की बनती है।